हे गाइस, वेलकम बैक टू एमडीटी एचडीस। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम करने वाले कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग। ये इसका कॉन्सेप्ट का नाम है फ्लाइंग विद बेलून कॉन्सेप्ट। इसके सारे बैकग्राउंड्स और पीएनजीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम बैकग्राउंड को एरेस। इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ पिक्सेल प्रो ऐप, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करने के बाद अब हम करेंगे इमेज को इंपोर्ट। इमेज को इंपोर्ट करने के बाद अब हम जाएंगे एडजस्ट टूल में, उसके बाद हम जाएंगे पेंट मास्क सिलेक्शन टूल में, उसके बाद क्लिक करेंगे थ्री डॉट पर और कर लेंगे हम मास्क। उसके बाद हम जाएंगे इनवर्ट मास्क और इसे जूम इन करने के बाद अब हम कर लेंगे मॉडल के अराउंड ड्रॉ कुछ इस तरह से। मॉडल को पूरा परफेक्टली सेलेक्ट करने के बाद अब हम करेंगे डन और चलेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन पर। तो आ चुके हैं हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन पर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को ओपन करने के बाद अब हम करेंगे इसे क्रॉप, क्योंकि हमारे इंस्टाग्राम पर सिर्फ 3:4 का ही इमेज आ सकता है। इसलिए इमेज को क्रॉप करने के बाद अब हम ऐड करेंगे एक बेलून्स की पीएनजी। इस पीएनजी को ऐड करने के बाद अब हम इसे कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे और कर देंगे हम डन। इसके बाद अब और एक पीएनजी ऐड करेंगे झूले की। इस पीएनजी को ऐड करने के बाद अब हम इसे कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। इसके बाद अब हम ऐड करेंगे मॉडल की पीएनजी को, जिसका बैकग्राउंड हमने अभी एरेस किया था पिक्सेल प्रो ऐप से, और इसे कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। मॉडल को सेट करने के बाद अब हम करेंगे डन और इसके बाद हम ऐड करेंगे एक बेलून्स की ब्लर पीएनजी। पीएनजी को ऐड करने के बाद अब हम एक पीएनजी को साइड में रख लेंगे और एक पीएनजी को फुल स्क्रीन करके हम इसे कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे, और इसके बाद दूसरे पीएनजी को भी हम कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे फुल स्क्रीन करके, और इसके बाद हम कर लेंगे डन। अब हमारा काम हो चुका है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन पर। अब हम जाएंगे ड्रॉ टूल पर और कर देंगे इस इमेज को सेव और चलेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन पर। तो आ चुके हैं हम लाइटरूम एप्लीकेशन पर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करने के बाद हम सबसे पहले करेंगे ऑटो करेक्ट, उसके बाद जाएंगे लाइट्स ऑप्शन पे और इसके एक्सपोजर को कम कर देंगे, कॉन्ट्रास्ट को कम कर देंगे, हाईलाइट्स को इंक्रीज कर देंगे, शेडोज को भी इंक्रीज कर देंगे, वाइट्स को भी इंक्रीज कर देंगे और ब्लैक्स को हल्का सा डिक्रीज कर देंगे। और इसके बाद हम जाएंगे कलर्स ऑप्शन पे और इसके टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देंगे 20 के आसपास, और टिंट को हम कम कर देंगे, और वाइब्रेंस को हम इंक्रीज कर देंगे कुछ 70 के आसपास, और हम सैचुरेशन को डिक्रीज कर लेंगे, और उसके बाद जाएंगे मिक्स टूल में और रेड के लुमिनेंस को इंक्रीज कर लेंगे, ऑरेंज के भी लुमिनेंस को इंक्रीज कर देंगे, और येलो टूल में जाकर हम इसके ह्यू को इंक्रीज कर देंगे, और ग्रीन ऑप्शन पर जाकर हम इसके ह्यू को चेंज कर देंगे, सैचुरेशन को भी इंक्रीज कर देंगे, लुमिनेंस को डिक्रीज कर देंगे,
और इस ब्लू वाले ऑप्शन पे जाके सैचुरेशन को इंक्रीज, ल्यूमिनेंस को डिक्रीज, और ब्लू वाले ऑप्शन पे जाके सेम। मॉडल के फेस पर कुछ लाइट ज़्यादा हो चुके थे इसलिए मैं ऑरेंज टूल में जाके इसके ल्यूमिनेंस को डिक्रीज कर रहा हूँ और सैचुरेशन को इंक्रीज कर रहा हूँ। इसके बाद अब हम कर लेंगे डन। ताकि आपकी आसानी हो मैंने आपके लिए एक प्रीसेट भी बनाकर रखा हुआ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कलर्स को चेंज करने के बाद अब हम जाएंगे इफेक्ट्स ऑप्शन पे और इसके टेक्सचर को और डेज को इंक्रीज कर लेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे स्प्लिट टोन पे और इसके हाईलाइट्स के हुआ सैचुरेशन को हम चेंज कर लेंगे और इसके शेडोज को भी हम चेंज कर लेंगे। और इसके बाद हम कर लेंगे इसे बैलेंस कुछ इस तरह से और इसके बाद हम कर लेंगे डन। तो हो चुका है हमारा काम लाइटिंग एप्लीकेशन पे। अब हम करेंगे इसे सेव और अब हमारा रेडी हो चुका है हमारा इमेज। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।